देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और ये फजीर के बाद का मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया। रात में बहुत तेज बारिश भी हुई है, काफी अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लगता है सुबह का मौसम। कहाँ बोल रहे हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का सभी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गई। तो आज की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो अभी तो सुबह का मौसम है, सुबह का टाइम है, फजीर का टाइम है और हम नमाज पढ़ के उठ चुके हैं। तो हमने सोचा ला बाहर की वीडियो बना लें। तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा हो लग रहा था, बहुत अच्छी अच्छी हवा चली, रात में काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। तो बहुत अच्छा मौसम है, सुबह का टाइम तो मौसम बहुत अच्छा हो रहता है, रात में बहुत अच्छा रहता है, बस दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आज की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आठवीं सहरी और आठवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। सहरी का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, फजर का टाइम चल रहा है और जुमा भी बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का दूसरा जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी हम जा रहे हैं सोने, आप लोगों से मिलेंगे सुबह। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितनी तेज़ धूप है। सुबह इतना अच्छा मौसम था, इतना बढ़िया, कितनी अच्छी अच्छी हवाएं, ठंडी ठंडी हवा चल रही, और उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई। जब हम लोग लेट गए उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई, तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन धूप देखिए कितनी तेज़ हो गई है, और तो अल्लाह की रहमत है, रमज़ान में बारिश हो रही, बहुत अच्छी बात है। और तो चलिए कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा, और पारा पढ़ने के बाद फिर हमने आराम करा थोड़ा सा। तो अब हम जा रहे हैं किचन में, आज हमें खाने की मिली है छुट्टी, आज हमें खाना नहीं बनाना है, सिर्फ अफ्तारी बनाना है, इसलिए नहीं बनाना है खाना। आज मस्जिद में है रोज़ा अफ्तार, तो हस्बैंड जी और भैया रहेंगे मस्जिद में, हम घर पर अकेले हैं। और अफ्तारी बनेगी, अफ्तारी जाएगी हाफिज़ जी को देना है, तो अफ्तारी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं और प्याज व्याज काटते हैं, हरी मिर्चा विर्चा सब कुछ काटना पीटना है। रोज़ का वही रूटीन है, रोज़ की अफ्तारी खाना, अफ्तारी खाना तो करना तो है, रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 रोज़े हो गए, बचे ही कितने हैं, धीरे धीरे ये भी चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दही फुल्की। ये देखिए हमने दही को फेंट लिया है और देख रहे हैं कितना पानी डालना है। थोड़ी बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि खाली हम हैं और हाफिज़ जी हैं, बस हाफिज़ जी को भी जाना है। और जब भी बच जाएगी इसमें, अभी तो बहुत गाढ़ा है, इसमें पानी और डालेंगे। और ये मसाला हमने पीस लिया है, ये देखिए ये घर में पीसा है मसाला हमने सिम में। इसमें है धनिया है, मिर्चा है हरी, और लहसुन है, और गोल मिर्च है जिसको काली मिर्च बोला जाता है, ज़ीरा है, सौंफ है। तो ये डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, हमने ज़्यादा पीस के रख लिया है, ये मेरे बाद में काम आएगा, तो ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, थोड़ा ही सा। ये देखिए बस अब नहीं डालेंगे, बस इतना ही ठीक है। अब इसमें नमक डाल देंगे, ये देखिए ये ब्लैक सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको भी, क्योंकि कोई चखने वाला नहीं। ये वाइट सॉल्ट भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको भी कि कोई चखेगा कौन। बन गया रायता, अब इसमें डालेंगे जब अफ्तारी डालेंगे, जब इसमें फुल्की डाल देंगे। अब ये मसाला हम फ्रिज में रख देंगे, मेरे बाद में काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज बनेंगे ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़े में भी वही आलू डालेंगे जो मिर्ची में हमने भरे थे, और इनको बगा लेते हैं धीरे से हल्के से। आपके पास राई हो तो राई से भी बगा सकते हैं, हमारे पास राई तो है नहीं, राई में वही जो सरसों बोले जाते हैं, सरसों से। फ्रेंड्स, इसमें भी हमने वही सब कुछ डाला है, लाल मिर्च,
ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, धनिया, नमक, बस ज़ीरे से पका दिया है। हल्का हल्का सा बस इसको पका लेंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसको ब्रेड के अंदर भर देंगे, ब्रेड पकौड़ा। तो ये हम ब्रेड भर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ब्रेड हमें बासी दे दिया है, फट रही हैं ये भी इससे। इनका नाम किसने रखा ब्रेड पकौड़ा? कितना अजीब सा नाम है ब्रेड पकौड़ा। मिर्ची भी भर ली तीन, तो अभी बहुत तेज धूप थी, अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बदली एकदम हो गई है। ये देखिए हवा चलने लगी है। तो गाइस जो कपड़े लाए थे उनको धो के डाला था, ये देखिए हम उतार रहे हैं, बादल बहुत तेज आ गया है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने शरबत भी घोल के रख लिया है और इसको अब छान लेंगे। शरबत जाएगा हाफिज जी के लिए। शरबत बनेगा तो फ्रेंड्स डालिए शरबत में, धीरे धीरे एक एक काम करते जा रहे हैं, ना टाइम हो जाएगा, सेहत की अजान भी हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए ये कुर्ते पैजामे कपड़ा है, ये हस्बैंड जी ने जो इनको सुबह भिगो दिया था, और क्योंकि टेलर ऐसे नहीं सिलते हैं बगैर धुले हुए, तो उन्होंने सुबह भिगो दिया था, फैला दिया था, हमें पता ही नहीं, हम सो रहे थे और उठे हैं तो जब हमने देखा कि ये कपड़े फैले हुए हैं, तो अभी जब मौसम ख़राब हुआ तो अभी हम इनको उतार के लाए। बहुत अच्छे हैं, बहुत हाथ बटाते हैं, जब उनके पास टाइम होता है तो मेरा हाथ बहुत बटाते हैं, हम अकेले हैं तो मेरा हाथ बहुत बटाते हैं। तो अभी इनको, अब ये सूखे भी नहीं, हल्के हल्के गीले हैं, अभी इनको हवा में पंखे में हम डाल देंगे तो ये सूख जाएंगे, और इनको लेके भी जाना हस्बैंड जी को। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी तेज बारिश होने लगी, ये देखिए पेड़ बहुत खुश हो गए हैं, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत खुश हो गए हैं सारे पेड़। तो फ्रेंड्स हम ये दही में डालने के लिए कुल्फी बना रहे हैं। तो इसमें हम दही में कुल्फी डाले दे रहे हैं, देखिए इसको अभी हम जीरे से बघार देंगे। पानी बहुत तेज़ गिर रहा है, शायद अब पानी की आवाज़ आप लोगों को लग रही है, बहुत तेज़ गिर रहा है पानी। अब इसको हम जीरे से भी हम बघार देंगे। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, देखते हैं ये बस फटे ना, नहीं फटा नहीं फटा, तो बन गया ब्रेड पकौड़ा। ज्यादा नहीं बनाए, सिर्फ तीन बनाए। ये देखिए बन गए। तो फ्रेंड्स हम दही फुल्की बना ले रहे हैं धीरे धीरे। दही फुल्की बन के एकदम रेडी तैयार बन गई। तो आप लगाने जा रहे हैं हाफिज जी की ट्रे अफ्तारी की, आधी लग गई है। तो गाइस ये देखिए ये ट्रे लग गई हाफिज जी के लिए, तो ये जा रही मस्जिद। देखिए दही की फुल्की है और मटर की चाट है, सब कुछ रख दिया है, सब ये शरबत भी। देखिए भैया ले जाओ जाओ, आ गए, नमाज पढ़ी थी जुमे की, सलाम कर लो अच्छा सबसे, जो सबसे सोचो नहीं, फ्रिज पे रखा है पेपर, सलाम कर लो, नमाज पढ़ी थी, नमाज पढ़ी है, वीडियो के चक्कर में चुप गए।
अब ना हम इधर झाग लेंगे, ले हमने झाग लिए इधर से। नहीं करोगे सलाम? हैं सलाम नहीं करोगे? सब लोग कहेंगे ये बात बहुत बदतमीज है ना, सलाम कर लो। किशन डाय उधर है, दोनों लोग वही मस्जिद में हैं। आज बिरयानी क्या चलेगी? अरे उसमें शरबत है ना, गए नहीं भाई, एक मग शरबत का वो है फल। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? बाद हम आपके यहाँ रोजा खोलेंगे। अच्छा नहीं नहीं हम अकेले है ना, कोई है नहीं, तो हम आपके यहाँ खोलेंगे रोजा। ले चलो पनामे चल के। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ रोजा खोलेंगे, हस्बैंड जी और भैया गए हैं मस्जिद और हम यहाँ पर आए रोजा खोलने के लिए। इन लोग बुला लें कि अकेले हो, यहीं आ जाओ, तुम यहाँ रोजा खोलने हैं। अकेले थे इसलिए आ गए हम यहीं पर। सारे आदमी गए, औरतें करते और तो भी आदमियों की निकल पड़ी। पहला आया है, बड़े ओले गिरे ना, पानी खाली यहाँ, पानी यहाँ घर पे भी घर पे। हाँ भैया भी दिखा रहा था खूब बड़े बड़े। तो गाइस यहाँ पर ओले नहीं गिरे, मतलब बर्फ नहीं गिरी, और सब जगह गिरी है। कानपुर में भी गिरी और नौसिन के मैके अचलगंज में भी गिरी, खाली उन्नाव में बर्फ नहीं गिरी है, सब जगह गिरी। कहीं गिरी हो कहीं ना गिरी हो, कोई ठीक। हाँ तो मतलब जहाँ जहाँ मालूम वहाँ तो गिरी है। इबाद हमने आपके यहाँ से पूरी अफ्तारी हमने खा ली, सब कुछ देखी है, सब खाली कर दिया हमने। आप मस्जिद गए थे रोजा खोलने, बिरयानी खाने गए थे, खाई थी बिरयानी, कैसी अच्छी बनी थी? नमाज नहीं पढ़ी? पढ़ लिया नमाज भी? झूठ का है बोल रहे नमाज के लिए। हंसी देखो, हम जा रहे अपने घर अब अल्लाह अल्लाह पढ़ने हैं। ठीक जाए, हाँ जाओ, तुम तो कहोगे जाओ। तो खोला है रोजा? खोला है रोजा? अच्छी बनी थी बिरयानी? अच्छी बनी थी, बगैर रायते के खा लिया। रोजा तारे में कहाँ रहता है? तो अभी तो तराबी है मुकम्मल आ गया। क्या बिरयानी? हार मंगवा लिया। मेरे लिए बिरयानी आई है, आ गई। काश अब रखी है, हमारे भर की है, हम खा लें, मेरा पेट भर जाएगा, तभी तो खाना नहीं बनाया। तो ये आई है मेरे लिए बिरयानी। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने। तो हमने सोचा अपने लिए पहले हम ब्लॉग एंड कर लें और हस्बैंड जी भैया गए हैं तरावी पढ़ लें। आज लास्ट है तरावी, आज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो वो लोगों को लगेगा टाइम, वो लोग वैसे भी खाना खा चुके हैं, हम अकेले तो हम जा रहे हैं खाना खाने। तो हमने कहा पहले ब्लॉग एंड कर ले। तो फ्रेंड्स अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।